आज मैं यूनिवर्सिटी से फ्री था तो उबासी जी के कहने पे हमने विजिट किया JMR जामिया मस्जिद रोड। रास्ते से बासी जी को पिक किया और हम शूटम शाट गर्मी में पहुंच गए। वैसे तो ये रोड कई चीज़ों से मशहूर है लेकिन हम आए थे थ्रिफ्ट स्नीकर्स देखने। ये जामिया मस्जिद की बैक साइड पे गली है जिधर भरपूर स्नीकर्स की दुकानें हैं जिन्हें आम जुबान में लंडा कहा जाता है, लेकिन आप कूल बनने के लिए थ्रिफ्ट, प्री लव्ड कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डजंट मैटर। यह एक प्रो टिप है, कभी भी आप ये सब चीज़ें लेने आए ना इधर, आपने आना बिल्कुल सादे से ड्रेस में, आपने कोई पेंट शर्ट या बर्गर बन के नहीं आना, क्योंकि आपको बहुत चीज़ें महंगी मिलेंगी क्योंकि आपको महंगी चीज़ें मिलेंगी। ओहो शुजा, तुम तो खुद बर्गर बन के आए हो, मैं कुछ लेने नहीं आया। यार ये मुझे एक बहुत क्यूट सा एयरफोर्स ब्लू कलर का नज़र आया। हाँ जी, क्या प्राइस है इसकी? 2000। यार एक चीज़ नोट किया बासी जी, सब ने ना इस तरह जूते लगाए होते हैं, खान जी ने ना ठेढ़े लगाए हुए जूते। यह कितने का? 45। जो क्या है? जॉर्डन। जॉर्डन यार, लेने को आप चाहे ना आप ये रैप्स भी ले सकते हैं, पर वो ज़्यादा देर नहीं चलेंगे। मैंने ये भी यूज़ किए हैं, मैंने ओरिजिनल थ्रिफ्ट वाले भी यूज़ किए, बट आई वुड सजेस्ट कि यू शुड गो विद थ्रिफ्ट वन बिकॉज दे आर ओरिजिनल। क्या प्राइस है? अब बकर मेरे साथ है जो कि अपने क्रिकेट के लिए कुछ देखने आया है, कोई जूते जो क्रिकेट, क्या कहते हैं क्रिकेट वाले, जोगर्स और स्लीपर्स, वो देखने आया है। मैंने लेना कुछ नहीं था पर मैं वैसे ही साथ आया हूँ सिर्फ देखने। अच्छा गाइस, थ्रिफ्ट में सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आपको जूता अपने साइज़ का और अपनी पसंद का ढूंढ के निकालना होता है, क्योंकि इसमें बहुत कम पीसेज होते हैं जो आपके साइज़ से मैच करें, तो जो स्नीकर हेड्स हैं उनके लिए फौरी नहीं होती, मज़ा आता है ढूंढने में, आपको नई नई चीज़ें नज़र आती हैं जो कि आपके साइज़ की नहीं भी होती। मैं आपको घर जाके वो चीज़ें दिखाऊँगा जो मैंने वैसे ही कलेक्ट की हुई हैं, मेरे साइज की भी नहीं। गली का नाम क्या? गली जामा मस्जिद। हाँ इधर आए ना खान जी से ज़रूर आपने ये शकर कोला पीना है, पिशावरी कावा भी पीना है जी, कावा भी पीना है, हो गया प्रमोशन, ठीक है। हाँ फ्री पिलाएंगे सबको जो आएगा। आमिर खान भाई का नाम है, आमिर खान शकर कोला। हाँ थोड़ी सी ख्वारी होगी लेकिन अगर आप स्नीकर हेड हैं और आपको स्नीकर्स की नॉलेज है तो कई कम पैसों में आपको यहाँ एक ओरिजिनल स्नीकर मिल सकता है। ये तीन और हैं अलग अलग जिनमें से मुझे ये काफ़ी आर्टिस्टिक काइंड ऑफ लगा, मज़े का जूता है। हाँ जी ये कितने का? कितने का? 1000 का। नाइस, हाँ जी ने बहुत ही रीज़नेबल बताया। ये एक मिला एयरफोर्स हाई टॉप, ये मेरे से साइज़ का तो नहीं है, इसकी सोल येलो ही हुई है, बट ये खान जी ने बहुत मुनासिब और 1200 का लगाया है। और अगर किसी को भी आना हो ना ये गली में, बिल्कुल सामने शॉप है खान जी की। खान जी इनकी क्या प्राइस है? 1200। क्रॉक्स। असल में गाइस मैं ये देखने आया था नाइकी ब्लेजर हाई टॉप, ये मेरा साइज़ नहीं है और मुझे वाइट में ढूंढ रहा था। हाँ जी इसकी क्या प्राइस है? 2500। सही। तो गाइस यही था हमारा विजिट और होप सो यू एंजॉयड यहाँ का डे। तो बासी जी को तो कुछ पसंद नहीं आया कोई बात नहीं। तो बाकी मुझे, मैंने वैसे नाइकी ब्लेजर्स ढूंढ रहा था, वो मुझे हाई टॉप में नहीं मिले क्योंकि एक वो जूता मुझे आजकल बहुत पसंद आया हुआ है, अभी घर जाके। यो सो आई केम बैक एंड आई एम गोना शो यू मेरी शूज़ की कलेक्शन जो मेरे पास हैं, चीज़ें नहीं शूज़। फर्स्ट नंबर पे मेरे पास ये नाइकी एयरफोर्स वन हैं जो हर किसी के पास होता है, हर रैपर तो नहीं कहेंगे बट हर बंदे के पास होता है, मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए था। मेरा बड़ा भाई ने गिफ्ट किया मुझे मेरी बर्थडे पे ये, और ये भी बहुत चलता है, बहुत हर किसी के पास होता है, ये दो शूज़ मैं बहुत ज़्यादा पहनता हूँ। थर्ड नंबर पे आता है
देखिए, ये है कॉन्वर्स का हाई टॉप और ब्लैक ब्लैक में है। ये वाला मैंने थ्रिफ्ट से बाय किया था और थ्रिफ्ट में मुझे ये 1200 या 1500 का मिला था। ये आपको थ्रिफ्ट में बहुत मिल जाएंगे, बहुत इजीली आपको अपने साइज में और कलर्स में मिल जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थ्रिफ्ट में रुल रहे होते हैं। फोर्थ पे आता है ये है एयर जॉर्डन येलो में। देख के पता लग सकता है रैप्स हैं, ये रेप्लिका कॉपी है, बहुत गंदी कॉपी है। ये मैंने पहनी है, ज़्यादा नहीं पहनी, और ये मैंने 4500 के लिए थे, जो कि मेरे हिसाब से इसी में मैं अगर ढूंढता थ्रिफ्ट में मुझे ओरिजिनल मिल सकते थे। दीज आर नाइकी बोरो। ये बेसिकली मेरे भाई पहनते थे साउथ कोरिया में, मैंने कोप लिए थे। कोप ना अगर आपको नहीं पता तो किसी पिंडी वाले से पूछ लीजिएगा। और इस पे मैंने फनकारी की थी, ये जो आप देख सकते हैं ना। सर्दियों के जूते हैं तो मैं ज़्यादा पहनता नहीं हूँ, बट अच्छे काफ़ी कंफर्टेबल जूते। अब मैं दिखाऊंगा आपको वो वाले शूज़ जो कि मैंने थ्रिफ्ट से लिए थे, बट उनमें मेरा साइज नहीं था, बट मुझे अच्छी हालत में अच्छे लगे तो मैंने ख़रीदे थे। तो फर्स्ट नंबर पर आता है ये एयर फोर्स वंस का इरिडिसेंट कलर है, जो कि ये आपको लाइट में अगर देखे तो ये कलर चेंज करता है थोड़े से। सेकंड नंबर पे आता है ये, दीज आर नाइकी डंक्स हाई टॉप, जो कि पिंक कलर में है, और ये भी मेरे से बहुत छोटा साइज़ है, बट ये बड़ा साफ़ सुथरा मुझे लग रहा था। एक है ये वैंस ओल्ड स्कूल, ये वाइट में है, ये भी छोटा साइज़ है। एक है ये एयर फोर्स वंस, जो कि बहुत बड़ा साइज़ है, ये 45 है आई गेस। थोड़ा सा इसकी कंडीशन गंदी है, बट मुझे इसको उठाने की वजह ये थी, इसका टिक काफ़ी ग्लिच सा है, सही से पढ़ने नहीं होता। ये शूज़ मैंने लिए थे वैसे ही, क्योंकि मैंने अपना एक पेज बनाया था, पेज का यहाँ हैंडल आ रहा होगा। अगर आपको ये वाले शूज़ में से कोई चाहिए हो, जो कि मेरा साइज़ तो नहीं है, बट आपको अगर लेना हो आपका साइज़ हो, तो यू कैन गो एंड गेट दीज। ओके, सो ये थी मेरी एक अपनी कलेक्शन और थोड़ा सा थ्रिफ्ट एक्सपीरियंस की वीडियो। ये सिर्फ एक जगह नहीं है पिंडी में, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आई एम गोना गो और भी जगह हैं, इसके अलावा भी हैं पिंडी में जगह। तो इफ़ यू वांट मी टू गो देयर एंड मेक अ व्लॉग, तो डू कमेंट डाउन बिलो और सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट सब चीज़ें कर देना। बाकी बाय, पीस।